जाहिर सी बात है कि मैं अमेरिका क्यों गया था, अगर यहाँ पे मुझे क्रिकेट मिलती तो मेरा नहीं ख्याल मैं उसको प्रेफर करता। मेरा ख्याल है कि एक सीज़न मैंने खेला PSL का, दो तो आपने ज़्यादा कह दिए। नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इसी ग्राउंड की वजह से ही पाकिस्तान में पहचाना गया हूँ, पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना गया हूँ। बाकी आगे काम है चीफ सेलेक्टर्स का, क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो समझते हैं कि मुझे टीम में आना चाहिए, एज ए मिडल ऑर्डर मेरी ज़रूरत है, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। देखें, हसन अली हमारा चैम्पियन बॉलर है और नो डाउट कि ये हुआ है, कोई भी प्लेयर जान के कैच नहीं छोड़ता, अगर हसन अली टूट गया तो पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल में आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, पाक टीवी देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदेद कहता है। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैटर उमर अकमल हमारे साथ मौजूद हैं और इनके देखने वालों को ये भी खबर हो कि ये पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कब वापस आए हैं आप? मैं लास्ट फ्राइडे को आया था। अच्छा, तो अब जा कब रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं वहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं थी, ग्रेड टू खेला था, कुछ मैचेस खेला था, उसके बाद ना 3 डे में कंसिडर किया गया ना फर्स्ट क्लास में कंसिडर किया गया, तो मैं फ्री था, तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ पे चैरिटी मैच खेलने की, तो इसलिए मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल की, क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर थी नहीं, क्लब क्रिकेट भी बंद हुई पड़ी थी, तो इसलिए वहाँ पर जाके मैंने थोड़े से मैचेस खेले, 3 मैचेस खेले, अल्लाह ताला ने उसमें इज़्ज़त दी। जब आप गए अमेरिका तो कुछ ख्याल ये था कि शायद आप दोबारा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से का क्रिकेटर्स अमेरिका की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर क्रिकेट उनको खेलने को मिल रही है, उनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, पेशकशें अच्छी हो रही हैं, तो अमूमी तौर पर यही ख्याल था कि उमर भी अब जा रहे हैं तो वापस नहीं आएँगे, तो आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कि आप भी मुस्तकबिल करीब में अमेरिका की तरफ से खेलते हुए या वहाँ पे जो क्रिकेट दीगर क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनकी तरह आप भी वहीं पर खेलेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की तरफ से अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान की वजह से ही हमारा नाम है, और नो डाउट मैं वहाँ पे था, मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी दी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने अभी पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, पाकिस्तान में जाकर डोमेस्टिक खेलनी है, अगर सेंट्रल पंजाब ने बुलाया तो वहाँ पर जाके मैं खेलना चाह रहा हूँ, अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, अगर होगा तो आई लेट यू नो, बता दूंगा मैं आप सबको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्रिकेट मिल नहीं रही है, क्या मतलब आप की जो एक मुश्किल वक्त आपने 1.5 बरस का गुजारा, उसके बावजूद भी कुछ रुकावटें आपको नज़र आ रही हैं कि वापसी के लिए? मेरा ख्याल है साहब, जितना आपका एक्सपीरियंस है और जितना भी मीडिया है उन सबको पता है कि क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में नई डिटेल में जाना चाह रहा, आप सबको पता है कि जाहिर सी बात है कि मैं अमेरिका क्यों गया था, अगर यहाँ पे मुझे क्रिकेट मिलती तो मेरा नहीं ख्याल मैं उसको प्रेफर करता। ठीक, तो सर आप कोई मायूसी या दिल बर्दाश्ता या हिम्मत तो नहीं हारे हैं कि मौका नहीं मिल रहा, चलें छोड़ें 1.5 साल नहीं मिला, साल और ना मिले, कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरी फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट है, भाइयों की तरफ से, वाइफ की तरफ से, उन्होंने कभी भी गिरने नहीं दिया, इवन जब मेरे पे टफ़ टाइम भी था तब भी उन्होंने गिरने नहीं दिया, तो अब मैं कैसे गिर सकता हूँ? नो डाउट थोड़ा सा टफ़ टाइम है, क्रिकेट नहीं मिल रही, लेकिन अपना हार्डवर्क करूँगा, पीछे सारी चीज़ों को भूल के आगे फोकस है, आगे जो भी क्रिकेट मिलेगी इंशाल्लाह उसमें परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। आपके 2 सीज़न रह गए PSL के, ये वाला भी नहीं खेल पाए और उससे पिछले वाला भी आप नहीं खेल पाए, इस मरतबा जब PSL होगा तो आपको लगता है कि दोबारा आप किसी भी टीम में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे, और उससे पहले क्या चीज़ें आपके ख्याल में आपको ऐसी करने की ज़रूरत है कि आप दोबारा जो टॉप लेवल की क्रिकेट है वहाँ पर नज़र आएँ? मेरा ख्याल है कि एक सीज़न मैंने खेला PSL का, दो तो आपने ज़्यादा कह दिए। ये होपफुली इंशाल्लाह जो अगला सीज़न आ रहा है PSL का, पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, फिटनेस पे भी काम कर रहा हूँ, बैटिंग भी कर रहा हूँ, अगर उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह उसमें भी प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। कितना मुश्किल है आपके ख्याल में कमबैक करना? कुछ आपने एक लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, ये वाला जो सूरत हाल है आपको पहली मरतबा इसका सामना करना पड़ा, कितना लंबा वक्फा आप टीम से बाहर है, आपके ख्याल में जब आप फारिग बैठते हैं तो क्या चीज़ें सोचते हैं कि क्या मतलब माजी से कुछ ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा मुख्तलिफ करने की ज़रूरत है? देखें, जो ये मेरे पर टाइम आया इससे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला जिनसे प्यार करते हैं उनको आजमाते भी हैं, लेकिन मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया है, और मैंने यही सोचा है कि मैंने सारी चीज़ें भूल के आगे फोकस करना। कितना वक्त आप इससे पहले जब आप पाकिस्तान की टीम में नहीं आए थे इसी ग्राउंड में आपने सुबह आते थे शाम को घर वापस जाते थे, तो क्या अभी भी आप उतना ही वक्त इस ग्राउंड को देते हैं? क्योंकि जितना आप इस ग्राउंड को देंगे उतना ही फिर आपको ऊपर वक्त मिलेगा।
नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इसी ग्राउंड की वजह से ही पाकिस्तान में पहचाना गया हूँ, पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना गया हूँ। इवन जब पाकिस्तान भी खेल रहा था तो मैं इस ग्राउंड को नहीं छोड़ा, ना मैंने छोड़ा, ना कामी भाई ने, ना अदनान ने छोड़ा, क्योंकि इस ग्राउंड की वजह से ही हम लोग पहचाने गए हैं और अल्लाह का शुक्र है आज भी उतना ही टाइम दे रहे हैं जितना हम स्टार्टिंग में देते थे। ठीक है, अच्छा उमर ये बताएगा कि आप अभी जब पाकिस्तान टीम को देखते हैं और अभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेला है, कुछ आपको लगता है कि माजी की निस्बत मुकाबला सख्त है मिडल ऑर्डर में जगह बनाने के लिए, या अभी भी दरवाजे खुले तो उमर बिल्कुल सीधा जाता है और पैट करके बैटिंग करते हुए नज़र आता है, या मुश्किल है थोड़ा? देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, मेरा काम है हार्डवर्क करना और परफॉर्म करना, जो भी क्रिकेट मुझे मिलेगी, बाकी आगे काम है चीफ सेलेक्टर्स का, क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो समझते हैं कि मुझे टीम में आना चाहिए एज ए मिडल ऑर्डर, मेरी ज़रूरत है, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। पावर हिटर हैं आप, यहाँ पर कितने छक्के एक दिन में लगाने की कोशिश करते हैं? प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जो कामी भाई प्रैक्टिस करवाते हैं बड़ी हिटों की, जो मेरे क्लब के कप्तान हैं नौशी भाई, वो मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं सेंटर विकेट पे। कोशिश यही करता हूँ कि स्टार्टिंग में जाके थोड़ा सा टाइम लूँ और उसके बाद फिर कामी भाई थोड़ा सा बताते हैं कि अब इतनी बॉलों पर इतना स्कोर करना है और विदाउट चांस करना है, तो कोशिश करता हूँ। समटाइम टारगेट अवेल नहीं करता, समटाइम मैं अल्लाह का शुक्र अवेल कर लेता हूँ। अभी भी गुस्सा करते हैं कामरान अकमल तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं या फिर आप भी आगे से गुस्सा करते हैं? नहीं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुस्सा किया ही नहीं, वो बड़े हैं, वो मेरे कोच भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और वो जब भी बताते हैं तो सुनता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ। ग्राउंड में वो समझ लें कि डांटते भी हैं, लेकिन ग्राउंड से जब बाहर होता हूँ तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा अभी एक ड्रॉप कैच हुआ हसन अली का और लोगों ने उसके ऊपर ख़ासा तनकीद भी की, किस तरह से आपके ख्याल में ऐसे मौके के ऊपर, क्योंकि हर खिलाड़ी और उस मौके पर तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उससे कुछ किस्म की गलती हो, तो आप किस तरह से देखते हैं और क्या आप कहना चाहेंगे जो देखने वाले हैं शायकीन क्रिकेट हैं? देखें, हसन अली हमारा चैंपियन बॉलर है और नो डाउट कि ये हुआ है, कोई भी प्लेयर जान के कैच नहीं छोड़ता, और जो सिचुएशन थी ओबियसली सेमीफाइनल था, उसके भी दिमाग में था, लेकिन क्रिकेटर है, हो जाता है ऐसा काम। लेकिन एज ए फैंस, एज ए पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं उनसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हसन अली को बैक करना चाहिए, और अगर हसन अली टूट गया तो पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल में आएगी, और अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे एज ए क्रिकेटर, एज ए फैन, तो उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि हसन अली हमारा चैंपियन बॉलर है। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपना वक्त दिया। आपने गुफ्तगू सुनी है जी नाज़रीन, उमर अकमल साहब की ये कहते हैं कि हसन अली को सपोर्ट करना चाहिए, और आज भी ये कामरान अकमल के साथ जो कि इनके बड़े भाई हैं उनके साथ बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, टारगेटेड इनको प्रैक्टिस जो है वो करवा रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन्हें पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने का मौका मिलेगा। अपनी परफॉर्मेंस ये हुए हैं और इनका ये कहना है कि बाकी काम सेलेक्टर्स का है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।